आपको बचपन में आकेश बनाने के लिए इनकरेज दादा जी ने किया या कि फादर ने भी हेल्प कहा कि हाँ बनो आकेश या आप ड्राइंग वगैरह करने लगे? मेरे ना स्कूल में हमारे एजुकेशन खालसा स्कूल में आपको पता है उस टाइम में कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ऊपर तो नहीं था पर फिर भी अच्छा ही था एंड मैं ना ड्राइंग में बहुत अच्छा था। कौन सी ड्राइंग जो स्कूलों की उस वक्त सिलेबस थी वो आर्ट वाट नहीं होता था, वो दो किस्म की ड्राइंग होती थी, एक मॉडल ड्राइंग पेंसिल में स्टिल लाइफ करनी मॉडल से और दूसरी स्केल ड्राइंग जो जिसको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बोलते थे, एलिवेशन साइड प्लान फर्नीचर की ड्राइंग, मतलब मेनली फर्नीचर की ड्राइंग क्योंकि खालसा स्कूल में तो कारपेंटर भी बड़े निकलेंगे ना, है ना। तो हमारा तो बकायदा हमने चौथी जमात में हमें कारपेंटरी सिखाई जाती थी, चौथी जमात में हम रंधा चला के आरे अनेक स्टूडेंट को ये पढ़ना पड़ता था। तो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज थिंग पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये। तो हमारे कारपेंटरी की जो क्लास होती थी वो बकायदा वेल इक्विप्ड लाइक लैब थी, उसमें रंधा कैसे चलना है, कैसे लकड़ी रखनी है, फिर वो लगा हुआ चौरसियाँ पड़ी हुई हैं, ये सारा ऐसे ऐसा था, वो सरदारों का स्कूल जो था। इट वॉज वेरी बहुत बहुत मतलब जो आपने हाथ से काम करना है वो बहुत ऑनरेबल है, ये वैसे सिख फिलॉसफी भी है। किर्त कहते हैं ना अपने दस उंगलियां दी किर्त है, उससे किर्त। तो ड्राइंग में मैं अच्छा था, तो आई वॉज गुड इन ड्राइंग। तो मास्टर केर सिंह एक होता था, बाकी मास्टरों से तो चपट वपट पढ़ते रहते थे मैथमेटिक्स के बाद, तो उस वक़्त तो बच्चों को चपेट लगा देना तो आसान सी चीज़ थी ना। लेकिन एक केर सिंह ऐसा मास्टर था जिसका मैं बड़ा फेवरेट था, मेरी बड़ी इज्जत करता था। तो वो कहता था कि परमजीत का हाथ बड़ा अच्छा, वो आर्ट टीचर था, वो ड्राइंग टीचर था, आर्ट टीचर आर्ट का नाम नहीं होता कहीं, हाँ ड्राइंग टीचर था वो। और हाँ वो मुझे मतलब कि फर्स्ट क्लास मार्क्स भी देता था राइट फ्रॉम सिक्स क्लास टू अप टू टेंथ क्लास। आप उन दोनों लाहौर भी जाते रहते थे? तो लाहौर तो आर्मी ने जाते थे सीन से, तो लेकिन उस एज में आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहा? मेरा बिकॉज आई वाज टू यंग, 11-12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, तो ये तो कांटेक्ट नहीं रहता था। पर मेरी एक कज़न सिस्टर थी बड़ी, शी इज़ स्टिल लाइव, शी इज़ 90 समथिंग एंड वो उसको पेंटिंग में शौक था, तो मैं उसको देखता था, वो पेंटिंग करती थी। शोभा सिंह की स्टूडेंट भी रही लाहौर में, है अमृतसर रहती थी, लाहौर जाती रहती थी। शोभा सिंह घर भी आए थे एक दफ़ा, फिर बाद में उसने शी बिकेम उसने स्टूडेंट ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट इन पॉलिटेक्निक अंडर सलोज मुखर्जी सान्याल एंड ऑल दैट एंड शी वॉज डायरेक्टली टेकन टू थर्ड ईयर एंड। आपसे पहले या आपके बाद? नहीं, मेरे से बहुत पहले। आप देखिए कि वो शी वॉज ए क्लास फेलो ऑफ अविनाश चंद्रा, केवल सोनी उस टाइम के, जो आपके टीचर बन गए बाद में, बाद में टीचर भी बने। तो उसको भी देखता था, तो वो शोभा सिंह उसको जो टीच करते थे वो कॉपी लर्न थ्रू कॉपिंग, तो जो फेमस किताबें घर में रहती थी जिसमें यूरोपियन क्लासिकल आर्ट था ज़्यादा, तो वो खोल के उसको वो कॉपी करती रहती थी और मैं देखता रहता था खड़ा होकर, मुझे बड़ी फैसिनेशन होती थी। तो खैर वो जिस वक्त मैंने मैट्रिक पास कर ली तो कोई खास अच्छे नंबर से नहीं किए, तो घरवाले सोचा कि इसका हाथ बड़ा अच्छा, स्केल ड्राइंग अच्छी है, इसको आर्किटेक्ट बनाते हैं। आर्किटेक्चर वाज ए वेरी न्यू लाइन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तब तक तो इंडिपेंडेंस हो चुकी थी। तो 50 के अमृतसर कितने साल तक रहे, किस एज तक? फ्रॉम बर्थ टू 18 इयर्स टिल आई केम, हाँ टिल आई जॉइन आर्ट स्कूल। उस जमाने में आप जब वहाँ थे लाहौर से भी, जब अमृता शेरगिल की तो एक अलग कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं जब छोटा था तो ग्रैंडफादर के ड्राइंग रूम में ऐसे होते छोटे बच्चे आए गलीचे पे लेट गए और फिर उल्टबाजियाँ वाजियाँ की और जैसे बच्चे घर में, तो हमारे ड्राइंग रूम में ऐसे फोटोज लगी हुई थी। तब फोटो लगाने का तरीका ये होता था कि ऊपर से एक नीचे लकड़ी होती थी, उस लकड़ी के ऊपर ऐसे सारे फोटो लगे हुए थे।
तो उसमें जो फोटोज लगी हुई थी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बैनर्जी हैं, ये सब बड़े बड़े जो थे खासतौर पर बंगाली इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनकी फ़ोटो लगी हुई थी। और बीच में एक फ़ोटो लगी हुई होती थी बिल्कुल सेंटर में, कि एक बड़ी खूबसूरत औरत अपने बाल ऐसे कर रही है और शीशे में उसकी शक्ल है, तो वो भी फोटो जो है फ्रेम कर, वो अमृता शेरी गिल थी, उमराव सिंह का खींचा हुआ फोटो। हाँ, उमराव सिंह का खींचा हुआ था। और उमराव सिंह मेरे ग्रैंडफादर के बड़े दोस्त थे। हाँ, वो घर आते थे बड़े, और वो मुझे ग्रैंडफादर बताते हैं बाद में जब मैं आर्टिस्ट बन गया तो कहते हैं अमराव सिंह तो कि अमृता शेर गिल की बात होती थी, अमराव सिंह की बात होती थी, तो कहते थे कि अमराव सिंह तो आके बैठ रहे थे, तो भाग के आता था उनकी गोदी में बैठ जाता था, ये वगैरह वगैरह वो सारी बातें। तो अमराव सिंह वॉज वेरी स्मॉल मैन, स्ट्रेचर में लंबी दाड़ी थी, पगड़ी, याद है आपको? हाँ, उनकी शक्ल याद है, पगड़ी बड़ी सी। और इवनिंग का जो एक ही सीन मुझे याद है कि इट वॉज ए डस्क, ऑलमोस्ट 6:30-7 का टाइम होगा, तो बाहर आंगन में ग्रैंडफादर बैठे हुए थे, रामचंद्र, अमराव सिंह आए, वो भी बैठ गए, मैं भी वहीं कहीं था, तो उनका मुझे याद हो, गली से लाइट आ रही थी, उनका फेस मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वो थे बड़े इंटरेस्टिंग, जो मुझे बाद में ग्रैंडफादर ने बताया, उस वक्त तो उनकी बातें मेरी ज़्यादा समझ में आती। ही वॉज क्वाइट ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड ही वॉज क्वाइट ए फिलोसोफर, उमराव सिंह जो थे, तो आके बहुत बातें ग्रैंडफादर से उनकी अच्छी अच्छी होती होंगी ज़रूर। और उनका एक एपिसोड ग्रैंडफादर सुनाते थे कि ये थोड़े से वैसे भी थे, ये कहते थे कि अपनी जो, उमराव सिंह कहते थे कि जो अपनी अंदर की सेंसिबिलिटीज और जो डिज़ायर्स होती हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए। हैं, तो जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दी कि उनको ना जलेबी बड़ी पसंद थी उमराव सिंह को, तो वो इतनी पसंद थी कि बहुत जलेबी खाते थे वह, एक दो बैठे 1-1.5 किलो जलेबी खा गई और बाद में उंगली डाल के सारी उल्टी कर दी ताकि पेट ठीक खराब, मतलब तसल्ली करके बात भी निकाल देते थे। बाद में औरतें अपने बुजुर्ग करती रही हैं फैशन के लिए कि ताकि खा भी लें और तो वो ये ग्रैंडफादर ने मुझे सुनाई थी उनकी एक बात। तो वैसे तो वो कहते आते थे बड़े अच्छा, हमारे घर मास्टर तारा सिंह भी आके बैठे रहते थे, वो भी मुझे सीन याद है, मैं छोटा होता था पहुँच जाता था वहाँ, तारा सिंह मिशनरी कॉलेज में ठहरते थे, हमारे घर से 1 किलोमीटर में सिख मिशनरी कॉलेज था, तो तारा सिंह उम्र में मेरे ग्रैंडफादर से छोटा था, इनको मिलने आता था। तो मुझे याद है कि वो ग्रैंडफादर ऐसे कहते थे, नहीं नहीं ये ठीक तरीका नहीं है सोचने का है, वो नेहरू को गालियां देता था तारा सिंह है, और कहते थे ये ठीक तरीका सोचने का नहीं है, नेहरू बहुत ठीक आदमी, गांधी बहुत ठीक है, मतलब ही वाज नेशनलिस्ट माय ग्रैंडफादर। तो वो किशन की आपको कुछ रक्त रंजित यानी कि मतलब खून खराबे वाली भी मेमोरीज हैं? थोड़ी सी हैं, मैंने पार्टीशन के टाइम पे आप कहाँ थे? नहीं नहीं नहीं, अमृतसर में थे, अमृतसर में थे आई। हाँ, देखिए 1940 जगह पे थे। हाँ हाँ, बहुत सेंसिटिव, ऐसे हमारा कॉलोनी का नाम था रंजीतपुरा, तो रंजीतपुरे की नॉर्दर्न साइड की तरफ था आज़ाद नगर और सदर्न साइड की तरफ रेलवे लाइन के आगे था इस्लामाबाद, तो इधर था कोटला, कोटला गांव था, उसका नाम था कोटला सैद महमूद, जब वो पार्टीशन के बाद सरदारों ने उसका नाम रख दिया कोट खालसा है, ये भी बड़ी फनी चीज़ है, तो उसको कोट खालसा। तो ये इधर ये हिंदुओं सिखों की कॉलोनी, सिख मिशनरी कॉलेज उधर आज़ादपुर, उधर इस्लामाबाद, तो जिस वक्त तो हाइट थी राइट्स की, तो रात को बस इधर से गुरु खालसा ने ये जो बोले सो निहाल उसके नारे और उधर से अल्लाह अकबर के नारे, ये सारी रात चलते रहते थे, और लोग जो थे बस वो काफ़ी वैसे रहते थे, ऑन द एज यू कैन कॉल इट। पर उस वक़्त ना फिर आहिस्ता आहिस्ता ना हेटर बहुत बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा हेटरेट बढ़ गई थी, और फिर तो मैंने देखा कि शहर था ईस्टर्न साइड की तरफ कोई 3 किलोमीटर पे, तो वहाँ तो आग के धुआं पूरा फॉर्ट नाइट स्काई उधर काला रहा, वो सारा अमृतसर जल रहा है, और फिर सुना मुसलमान आ गया, मुसलमान आ गया, और
सड़क पे आ गया, ग्रैंटन रोड पे घर था तो उसका कत्ल कर दिया, ये सब हमने अपने मुंडेर से अपनी छत से देखा। पर एक मैंने बहुत भयानक सीन देखा, वो ये था, हम तो फिजिकल बचपन में मूवमेंट बहुत थी, गली में गए, भाग के गए, तो वहाँ पर एक मैदान था जहाँ पर हम साइकिल चलाना सीखते थे, उसको रड़ा मैदान कहते थे क्योंकि घास नहीं था और बिल्कुल ऐसे मैदान था। वो आज़ादपुर से कोई एक मुसलमान टांगे वाला, अपने रेड़े वाला है, वो उधर आ गया होगा, इधर सिख मिशनरी कॉलेज से किसी ने कहा कि वो मुसलमान आ गया, मुसलमान आ गया, और फिर भागे तलवारें लेके, ये लेके वो लेके, और उसको घेर लिया उन्होंने उस मैदान में। और मैदान में जब वो घेर लिया, वो तो यूं करके खड़ा हो गया, मैनू ना मारो, मैनू ना मारो, है, लेकिन इनको तो चढ़ी हुई थी, इन्होंने तलवारें वलवारें चलवानी शुरू कर दी। इन्हें मीन टाइम क्या हुआ कि घोड़ा डर गया, मैं खड़ा हूँ वहाँ पर, हैं, घोड़ा डर गया और घोड़े ने तो भागना शुरू कर दिया। अब वो यूँ खड़ा है, रेड़ा भागे जा रहा है और ये मारे जा रहे हैं, कोई बर्छी मारता है, कोई तर ये मारता है, कोई वो मारता है, उसका बॉडी का माइक आई स्टील में पूरा लाल हो गया, और इट वॉज वेरी बैड टू लुक एट, बड़ा भयानक सीन था। फिर वो उसका ऐसे रेड़ा जाके एक ऐसी गली में घुसा और वहाँ एक घर था, वो डर के मारे उतर के उस घर के अंदर भागने के लिए भागा, और वहाँ एक औरत खड़ी थी, उसने एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया, और फिर वो वहाँ गिर गया, उन्होंने फिर वहाँ मार दिया, फिर उसको घसीट के ले गए। मतलब ये सीन जो है, और फिर मैं घर आया और मुझे बड़ी डांट पड़ी, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने कहा तू क्या करने गया था वहाँ पर, और तू क्यों, मैंने कहा मैं तो वैसे ही जाता हूँ, पास ही तो है, मैं जैसे ये ग्राउंड है ऐसे मैदान है, है? तो मतलब ये सीन मैंने देखा। फिर हाँ, फिर देखा कि जी ये ट्रेन एक आई है पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे वहाँ दिखता था ना रेलवे लाइन, ट्रेन आई है कटी हुई, फिर इन्होंने एक ट्रेन इधर से काट के भेजी, फिर हाँ, फिर वो एक आया बड़े एक अपना सरदार जी, बड़ी फूक में आए, आके कहते हैं कि दे देखिए ब्लड में इतने मार के आया हूँ। सो दैट वाज द कोशिश की इस तरह की मेमोरीज नहीं आपने इसको उस लेवल पे नहीं आने नहीं मुझे बचपन से ही ये जो है ना नेचर का मूड्स एंड ये बहुत दुनिया में रहने का आपका हाँ हाँ मुझे ये नहीं कभी आया कि मैंने ये चीज़ को इलस्ट्रेट करके मतलब कि आई हैव टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स थ्रू दिस। कई बार इलस्ट्रेट नहीं भी करता, लेकिन कई बार इवन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में भी उसके अंदर की वायलेंस। मेरा ख्याल है कि माय फीलिंग टुवर्ड्स वायलेंस चेंज्ड इनटू मेलंकली, दैट इज़ वाई माय पेंटिंग्स बिकेम सो साइलेंट एंड क्वाइट एट दैट टाइम, बिल्कुल जैसे स्थिर है कुछ। जो शुरू की मेरी पेंटिंग्स हैं सारी वो बड़ी स्टिल हैं, मतलब बिल्कुल जैसे मूवमेंट है ही नहीं और इट्स गोइंग टू हैपन समथिंग। क्रिएटिविटी का रिलेशन उससे है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। नहीं डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक तरह से उसने असर तो डाला कि आप जैसे कह रहे हैं कि साइलेंट हो गई। हाँ साइलेंट हो गई, दे वर नॉट, दे वर वेरी क्वाइट।